गुड मॉर्निंग चरण। पिछली कक्षा में हमने नीलकंठ पाठ यानी उपवाचक पाठ है जो नॉन डिटेल कहलाता है, इसका विवरण किए थे। तो इसकी लेखिका कौन है नीलकंठ पाठ की? महादेवी वर्मा। नीलकंठ पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, जो आज की कक्षा में इसका विवरण हम आज इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है ये नीलकंठ में क्या मोर और मोरनी के नाम पर लिखी गई कहानी है। ये नील गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो ये क्या है, राधा यानी मोरनी है, तो मोर और मोरनी की कहानी है। यहाँ पर देखिए लेखिका जो महादेवी वर्मा है अपने चिड़ी मार से यानी बर्ड कैचर, चिड़ी मार यानी बहेलिया कहते हैं हिंदी में, बहेलिया चिड़ी मार बर्ड कैचर, तो ये बेच चिड़ी मार ने लाकर दिया और उसे पकड़कर ये खरीद दुकानदार ने ले लिया। दुकानदार अपने ये महादेवी वर्मा ने लेखिका को बेचने की कोशिश की और उनसे बार्गेनिंग करना, मोल भाव करना, चुकाना। उसके बाद ये मोर मोरनी के जोड़े को यानी एक पैर को लेकर आई और वो अपने घर में उन्हें अच्छे से रखी। इस प्रकार वहाँ पे वो घर के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने भी लगे, उनकी देखभाल की गई। इस प्रकार उस परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। क्या था? राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी और ये मोर सब पक्षियों का सेनापति बन गया, नहीं वहाँ का इंचार्ज बन गया। उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना, उनकी देखभाल करना, अपने अंडर में सारे पक्षियों को लेकर उनका काम करता था। और एक बार एक शिशु खरगोश को सांप की पकड़ में आ गया था, सांप ने पकड़ लिया था उन्हें। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला हिस्सा शरीर को मुंह में दबा रखा था, शेष आधा यानी जो आधा बचा हुआ बॉडी थी वो बाहर ही थी। उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था, यानी तेज नहीं सुनाई दे रहा था, धीमा था, किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर उस ऊपर झूले में सो रहा था, उसी के चौकन्ने कानों ने यानी चौकन्ने ने बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने वाला, अलर्ट रहने वाला पक्षी है और जो मोर उस मध स्वर की व्यथा पहचानी यानी वो आवाज सुनी और पहचानी और वहां पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल होगा यानी जख्मी होगा। तो इस तरह कई पक्षियों की सहायता करना, उनकी देखभाल करना, उसने सांप को भी फन के पास पंजों से दबा फिर चोंच से इतने प्रहार किया यानी हमले किए और वह अधमरा हो गया यानी प्रहार करना। प्रहार का अर्थ क्या है यहाँ पे? हमला। उसने पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया यानी उसे पकड़ने में थोड़ा लूज होगा तो उसके मुंह से वो बच्चा सांप का बच्चा निकल खरगोश का बच्चा निकल गया। किसके मुंह से? सांप के मुंह से। परंतु निश्चेष्ट सांप भी वहीं पड़ा रहा यानी बेजान वहीं पर पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी। राधा कौन है यहाँ पे? मोरनी यानी उसकी हेल्प करने की कोई जरूरत ही नहीं समझी, आवश्यकता है कोई जरूरत नहीं समझी। परंतु अपनी मन केका किसे किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी यानी जो वहां पे हुई घटना उसको सभी जगह फैला दी, उसकी सभी जगह पब्लिसिटी कर दी। प्रसारित करना यानी अनाउंस करना। माली पहुंचा फिर हम सब पहुंचे नीलकंठ सब जब सांप के दो खंड कर चुका था। नीलकंठ यानी मोर सांप को दो हिस्सों में कट करके मार दिया था। तब उस शिशु खरगोश के पास गया, रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। पंखों के नीचे यानी फैन, पंखा के फैन के नीचे उसकी उष्णता यानी उसकी गर्मी, उष्णता यानी बिजली भी कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी लाइट। उष्णता भी कहते हैं, ऊर्जा भी कहते हैं हिंदी में इसको, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? ऊर्जा, उष्णता। तो ये सारे शब्द अलग अलग है लेकिन इनका अर्थ समान ही है यहाँ पर। तो
तो उन्हें पंखे के नीचे रखकर उसे उष्णता देता रहा, गर्मी देती देते रहे उन्हें, उसका ट्रीटमेंट उपचार करना है, ट्रीटमेंट दिया गया उपचार। चिकित्सा भी कह सकते हैं आप इसको, चिकित्सा है, ट्रीटमेंट देना, ये सारे अर्थ एक ही है यहाँ पर। तब उस शिशु खरगोश के पास गया, रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? मयूर किसे कहते हैं? मोर का नाम, और क्या है, मयूर भी कहते हैं। मोर को क्या कहते हैं? मयूर, मोर यानी सिमिलर मीनिंग्स में आता है, समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मोर यानी मयूर भी कहते हैं मोर को हम। मयूर या मोर के पंख क्या है? भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर लगाते थे, इसीलिए बहुत ही मशहूर भी है। अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? या उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है, मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है। कलाप्रिय ने बहुत आर्टिस्ट है वो। मोर क्या है? एक आर्टिस्ट है, कला प्रिय है, बहुत पसंद करता वो अपनी आर्ट को, आर्टिस्ट का। वीर पक्षी यानी बहुत ही बहादुर भी है, ब्रेव भी है। तो इस तरह क्या है, देखिए आप, हिंसक मात्र नहीं यानी किसी को तकलीफ देने वाला नहीं है, वायलेंट नहीं है ये। इसी से उसे बास चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, यानी बास चील आदि जो है ये बहुत खूनखार यानी बहुत ही खतरनाक पक्षी है जो मारते हैं, लेकिन इन्हें उस श्रेणी में नहीं रखा जाता है, उनके साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम है यानी बुराई ही उनका जीवन है। नीलकंठ में उनकी उसकी जाति जातिगत विशेषताएं, उसकी जातिगत विशेषताएं हैं, उसकी स्पेशलिटी क्या है, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लयताल रहता था। मोर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या, जब वो नाचता है अपने पंख फैलाकर तो इंद्रधनुष के गुच्छे के जैसे पंख दिखाई देते हैं, और वह नृत्य करता है यानी डांस भी करता है, और उसमें एक लय और ताल समझा जाता है। आगे पीछे दाहिने बाहें क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य संपर्क ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था, उसकी तरह स्पीड में नहीं नाचती थी लेकिन उसके पास ही एक छंद यानी एक लय ताल यानी उसके नाच में भी कुछ खास विशेषता थी। वह नृत्य समान नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर यानी छूकर दाहिनी यानी राइट और लेफ्ट में उसके बाजू घूमती रहती थी और डांस करती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक लाल परिचय मिलता है। नीलकंठ के कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। यहाँ पर एक चित्र देखिए आप लोग, जैसे ही यहाँ पे महादेवी वर्मा जो लेखिका है अपनी कहानी सुना रही, वो जैसे ही आ गई यहाँ पर, वो अपने पंख फैलाकर उसका स्वागत करने लगा। कौन है ये? नीलकंठ यानी मोर, अपने पंख फैलाकर उसका स्वागत किया। भंगिमा में खड़ा होगा, तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई यानी जब से उसका हर दिन ये काम बन गया, कर्म यानी क्रम बन गई यानी जरूरी ही समझा गया उसे। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था, देशी विदेशी यानी गेस्ट, अतिथि का क्या है यहाँ पर, गेस्ट कह सकते हैं आप। मेहमान यानी जैसे ही इसके पास देशी या विदेशी यहाँ के रहने वाले या बाहर के लोग जो भी यहाँ मेहमान आते थे, उसके पास गेस्ट आते थे, तो क्या करता था वो, तो देशी विदेशी जो आते थे तब भी पहुंच जाता और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयादि
विस्मयाभिभूत होता था, यानी सम्मान पूर्वक यानी रेस्पेक्टिव मैनर में उन्हें नृत्य के भंगिमा में यानी जैसे डांस करता था जैसे ही आते थे वो उसी में स्टैचू जैसे ठहर जाता था, विस्मय आदि यानी ताज्जुब से शौक हो जाता था। तो कई विदेशी महिला में उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली, कई विदेशी मेहमान जो आते थे उसे क्या उपाधि दी गई, परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। तो बच्चों ये था आज का विवरण, आज का एक्सप्लेनेशन। अभी अगली कक्षा में इसका हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की कक्षा में जो हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं आपको इसका अच्छे से वन टाइम लिखिए और इसका रीडिंग भी कीजिए, मौखिक कीजिए। होमवर्क क्या आपको होम रीडिंग। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।